अरे फ्रैंकलिन भाई मजा ही आ गया यार, अबे शिनचैन उतर जा भाई, मेरे कंधे दर्द कर रहे हैं। अरे फ्रैंकलिन भाई मैं तो तभी उतरूंगा यार जब आप मुझे घर तक भाग के लेके जाओगे। ले भाई ले, भाग के जा रहा हूँ बस। गाइस यार क्या बताऊँ, पूरा एक घंटा हो गया मेरे कंधे से नीचे नहीं उतर रही है। अरे क्या फ्रैंकलिन भाई, आप 5 साल के बच्चे को नहीं उठा सकते? अबे है तो तू 5 साल का लेकिन खाता 20 साल के बच्चे जितना है। अरे फ्रैंकलिन भाई मेरी इतनी भी तारीफ मत करो यार। अच्छा बताऊँ तुझे अभी? अरे फ्रैंकलिन भाई ये क्या, अबे शिनचैन अब क्या हो गया तुझे? अरे फ्रैंकलिन भाई सामने देखोगे तभी तो पता चलेगा। अरे गाइस यार अब क्या देख लिया उसने, एक सेकंड। गाइस यार ये अपने घर में चल क्या रहा है? अरे फ्रैंकलिन भाई मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। शिनचैन भाई तू एकदम सही कह रहा है लेकिन गाइस यार हमारे घर में इतना सारा धुआं कहाँ से आया और ये वाली कार किसकी है? अरे फ्रैंकलिन भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर के अंदर एलियन आ गए? अबे शिनचैन कैसी बातें कर रहा है? तो गाइस यार इसी के साथ मैंने अपने हाथ में एक गन ले लिया है। अबे शिनचैन सामने में देख कितना सारा खून पड़ा हुआ है। अरे फ्रैंकलिन भाई ध्यान से अंदर जाना यार, और एक सेकेंड। गाइस यार वहाँ पे कौन पड़ा हुआ है? अरे फ्रैंकलिन भाई क्या हुआ? अबे शिनचैन जल्दी से आ, ये तो अपना स्पाइडरमैन है। लेकिन फ्रैंकलिन भाई इसे क्या हो गया यार, और चारों तरफ पे इतना सारा खून कैसे पड़ा है? गाइस अपना शिनचैन एकदम सही कह रहा है, यहाँ पे इतना सारा खून कैसे आया? मुझे तो लगता है कि अपने स्पाइडरमैन के साथ पक्का कुछ यहाँ पे हुआ है। गाइस हमने स्पाइडरमैन से बात कर ली है और इस बेचारे के साथ तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। सच्ची में गाइस यार अपने स्पाइडर के साथ तो कुछ ज्यादा ही बुरा हुआ क्योंकि अपना स्पाइडी 3 दिन के अंदर मरने वाला है। अरे फ्रैंकलिन भाई अपने स्पाइडरमैन को बचा लो ना यार। अबे हाँ शिनचैन। तो गाइस यार बात कुछ ऐसी है कि अपने स्पाइडरमैन को एक जहरीली मकड़ी ने काट लिया है और उसकी वजह से अपने स्पाइडरमैन का पूरा डीएनए चेंज हो रहा है और पूरे वर्ल्ड में बस लॉस सैंटोस में यहाँ से साइंटिस्ट है जो कि अपने स्पाइडरमैन को ठीक कर सकते हैं। हाँ तो शिनचैन मेरी बात सुन। अरे हाँ बोलो फ्रैंकलिन भाई। तो शिनचैन एक काम कर, अब तू जल्दी से अपने स्पाइडी को लेके लॉस सैंटोस की साइंटिस्ट की लैब में जा। अरे स्पाइडरमैन जल्दी मेरे पीछे आओ यार, अपन लोग आधे घंटे के अंदर लैब में पहुंच जाएंगे। अबे शिनचैन रुक जा। अरे फ्रैंकलिन भाई अब क्या हो गया यार? अबे शिनचैन अपने फोन का स्पीकर कार से कनेक्ट कर ले ताकि मैं तेरे से बात कर सकूं। अरे फ्रैंकलिन भाई वो तो मैंने कनेक्ट भी कर लिया यार। अरे वाह शिनचैन बहुत ही बढ़िया, अब एक काम कर जल्दी से स्पाइडरमैन को लैब में लेके जा। अरे हाँ फ्रैंकलिन भाई अभी लेके जाता हूँ। और गाइजर अगर तुम लोग भी चाहते हो कि अपना स्पाइडरमैन ठीक हो जाए तो जल्दी से कमेंट में जाके स्पाइडरमैन लिख दो। लेकिन गाइस यार तुम लोग देख रहे हो अपना स्पाइडरमैन कितना ज्यादा मुश्किल में है और इसे कितना ज्यादा दर्द हो रहा होगा। लेकिन गाइस मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर कौन सी मकड़ी ने अपने स्पाइडरमैन का ये हाल करा है। मेरे हाथ में आ गई मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे स्पाइडरमैन तुम सो गए क्या? अबे शिनचैन क्या हुआ? अरे फ्रैंकलिन भाई स्पाइडरमैन तो बेहोश हो गया। अबे शिनचैन नहीं तुझे साथ क्यों भेजा है, अपना स्पाइडरमैन बेहोश नहीं होना चाहिए, जल्दी से उसे उठा। अरे स्पाइडरमैन क्या हुआ तुम्हें, जल्दी उठो ना यार। अरे वाह गाइस यार आखिरकार अपना स्पाइडरमैन उठ ही गया। अरे वाह शिनचैन बहुत ही बढ़िया। लेकिन फ्रैंकलिन भाई ये क्या, सामने का मैं कुछ देख नहीं पा रहा क्योंकि सामने में बहुत ही ज्यादा फॉग हो रही है। अबे शिनचैन मुझे पता है तू कर सकता है, बस तू कैसे भी करके लैब में पहुंच जा, बाकी का काम साइंटिस्ट अपने आप कर देंगे। तो गाइस यार फाइनली अपन लोग पहुंचने वाले अपनी साइंटिस्ट के लैब में। और गाइस तुम लोग देख रहे हो अपने लॉस सैंटोस का वेदर कितना ज्यादा खराब हो रहा है। लेकिन ये क्या गाइस यार मुझे तो बहुत तेज की सूसू आई है। एक काम कर तू अपनी कार यहीं पे पार्क कर देता हूँ। अरे स्पाइडरमैन तुम बस यहीं पे रुको मैं 1 मिनट में आया। तो इसी के साथ शिनचैन हल्का होने के लिए पेड़ के पास आ जाता है। लेकिन ये क्या, ये सारे अजीब से इंसान कौन है? लगता है कि ये सारे अपने स्पाइडरमैन के दुश्मन है। और ये क्या, देखते ही ये सारे मॉन्स्टर अपने स्पाइडरमैन को घेर लेते हैं। लगता है कि स्पाइडरमैन अब नहीं बचने वाला। और इसी के साथ ये सारे मॉन्स्टर अपने स्पाइडरमैन को साथ ले जाते हैं। लेकिन एक सेकंड, उनमें से एक मॉन्स्टर तो अपने स्पाइडरमैन का रूप ले लेता है लेकिन अपना शिनचैन इस बात से अनजान है कि उसके साथ वाला स्पाइडरमैन इसका दुश्मन है। अरे वाह गाइस यार हल्का होके तो मजा ही आ गया। लेकिन अब एक काम करता हूँ, जल्दी
जल्दी से अपने स्पाइडरमैन के पास चलता हूँ, क्योंकि हमें अपने लैब में भी तो जाना है ना। अरे स्पाइडरमैन एक काम करो यार, जल्दी से कार के अंदर बैठो। अरे शिनचैन अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अरे ये क्या स्पाइडरमैन, तुम तो अब बोलने भी लग गए। अरे हाँ शिनचैन, अब एक काम करो, तुम लैब में मत जाओ, तुम लॉस सैंटोस के पीछे वाली पहाड़ी की गुफा के अंदर चलो। लेकिन स्पाइडरमैन फ्रैंकिन भाई ने तो लैब में जाने को बोला है ना। अरे शिनचैन अब मैं ठीक हो गया, मैंने बोला ना मेरे दोस्त वहीं पे है, जल्दी से मुझे वहाँ लेके चलो। लेकिन अपना शिनचैन इस बात से अनजान था कि स्कूल की पीछे वाली पहाड़ी पे जाके ये कितनी बड़ी गलती कर रहा है। अरे गाइस यार, इसी के साथ हम लोग गुफा के अंदर पहुंचने वाले हैं। अरे शिनचैन जल्दी चलो, मेरे सारे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। अरे स्पाइडरमैन तुम टेंशन मत लो यार, हम लोग पहुंच चुके हैं। अरे गाइस यार ये क्या, यहाँ पे तो इतने सारे मॉन्स्टर खड़े हैं और अपना स्पाइडरमैन तो वो खड़ा है, तो मेरे साथ में कौन है। अरे बाप रे, इसने तो अपना रूप भी चेंज कर लिया। अरे गाइस यार ये क्या, लगता है कि इन्होंने मुझे किडनैप कर लिया। और स्पाइडरमैन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। अरे गाइस यार यहाँ पे ये क्या हो गया, एक काम करता हूँ जल्दी से अपने फ्रैंकलिन भाई को मैसेज कर देता हूँ। अरे गाइस ये क्या, ये तो अपने शिनचैन का मैसेज है और उन्हें तो स्पाइडरमैन के दुश्मन ने किडनैप कर लिया है, वो भी स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी के पास। गाइस हमें कैसे भी करके उन्हें बचाना पड़ेगा, स्टीव भाई तो रेडी है ना। अरे फ्रैंकलिन तुम टेंशन क्यों लेते हो, मैं उन्हें एक बारी में मार दूंगा। अरे स्टीव के बच्चे तभी तो तुझे अपने साथ लेके जा रहा हूँ, एक काम कर जल्दी से अंदर बैठ जा। तो गाइस यार हमें अब कैसे भी करके अपने स्कूल की पीछे वाली पहाड़ी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि गाइस यार अपने स्पाइडरमैन की हालत कुछ ज्यादा खराब है और वो किसी भी वक्त मर सकता है, इसलिए हमें कैसे भी करके अपने साइंटिस्ट की लैब में जाना ही पड़ेगा। तो गाइस यार फाइनली हम लोग अपने शिनचैन की लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। और गाइस देखो तो जरा यहाँ पे कितना ज्यादा वेदर खराब हो रहा है। और गाइस ये देखो, इसी वाली गुफा के पास अपना शिनचैन किडनैप हो चुका है। अरे फ्रैंकलिन टेंशन मत लो यार, मैं हूँ ना। अरे थैंक यू स्टीव भाई। लेकिन गाइस यार एक सेकंड, यहाँ पे तो इतने सारे मोशर खड़े हैं, अब हम दोनों यहाँ पे क्या करेंगे। हाँ, अरे फ्रैंकलिन मैंने बोला ना, बस तुम खड़े खड़े देखते रहो, अब मैं इन सब में से एक को भी नहीं छोड़ने वाला। ये लो तुम मेरे शिनचैन और स्पाइडरमैन को किडनैप करोगे, तुम में से मैं एक को भी नहीं छोड़ने वाला, तुम नहीं जानते कि मैं कितना ज्यादा खतरनाक हूँ। ये लो। अरे वाह गाइस, अपने स्टीव ने तो सबको मार दिया, लेकिन अपना शिनचैन कहाँ पे है। अरे फ्रैंकलिन भाई हम दोनों तो ये रहे, आखिरकार आपने हमें बचा लिया। अबे शिनचैन मैंने नहीं, तुम्हें स्टीव ने बचाया है। अरे स्टीव भाई थैंक यू यार। अबे शिनचैन अभी इन बातों का टाइम नहीं है, अपने स्पाइडरमैन को लेके जल्दी से लैब में चलो। अरे फ्रैंकलिन भाई अपना स्पाइडरमैन ठीक तो जाएगा ना। अबे हाँ शिनचैन, ये चारों साइंटिस्ट अपने स्पाइडरमैन का इलाज कर रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन गाइस यार टेंशन तो मुझे भी हो रही है, क्योंकि अपने स्पाइडरमैन की हालत कुछ ज्यादा खराब थी। अरे फ्रैंकलिन भाई ये क्या, अपने स्पाइडरमैन को क्या हो रहा है। अरे गाइस यार आई डोंट नो कि अपने स्पाइडरमैन को क्या हो रहा है, एक काम करते हैं जल्दी से अपने साइंटिस्ट से बात करते हैं। अरे फ्रैंकलिन भाई टेंशन ना लो यार, आप जल्दी से लॉस सैंटोस के ओशन में पहुंच जाओगे। अबे हाँ शिनचैन, अब तू अपने शेप का ध्यान रख, मैं जल्दी से अपने लॉस सैंटोस के ओशन में पहुंच जाता हूँ। तो गाइस यार यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, हमें स्पाइडरमैन को कैसे भी करके अपने लॉस सैंटोस के ओशन में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपने साइंटिस्ट ने बोला है कि अपने ओशन के अंदर एक ऐसा केमिकल है, उससे अपना स्पाइडरमैन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो गाइस एक काम करते हैं, अब हम जल्दी से अपने लॉस सैंटोस के ओशन चलते हैं। तो गाइस यार इसी के साथ हम लोग अपने लॉस सैंटोस के ओशन में पहुंच चुके हैं, बस हमें कैसे भी करके अपने स्पाइडरमैन को ओशन के अंदर फेंकना पड़ेगा, उसी के बाद अपना स्पाइडरमैन ठीक हो पाएगा। तो स्पाइडरमैन तो रेडी है ना, अब मैं जंप मारने वाला हूँ। तो गाइस यार इसी के साथ अपने फ्रैंकलिन ने जंप मार लिया है और साथ में अपना स्पाइडरमैन भी कूद चुका है, और लगता है कि अपने फ्रैंकलिन को कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि इसके पास पैराशूट है। एक सेकंड गाइस यार, मेरे पीछे कुछ है तो, ये अपना स्पाइडरमैन है क्या। अरे फ्रैंकलिन भाई जल्दी भाग, वरना वो सारी शार्क तुझे खा जाएंगी। लेकिन गाइस यार वो सारी शार्क आई कहां से थी, और अपना स्पाइडरमैन कहां गया, कहीं अपना स्पाइडरमैन ही वो शार्क तो नहीं बन गया। पता लगे उस केमिकल का असर उल्टा हो गया हो, आई डोंट नो गाइस अपने स्पाइडरमैन के साथ हुआ क्या है। लेकिन गाइस अगर आपको आज वाली वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।